हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हितेश एग्रीकल्चर एंड जीके में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मॉडल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मॉडल्स। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस लेक्चर में हम लीनियर मॉडल, ट्रांजेक्शनल मॉडल एंड इंटरेक्टिव मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इनके अंदर जो मॉडल आते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, हियर द कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड एज वन वे प्रोसेस। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो वन वे प्रोसेस कंसिडर किया जाए। वन वे मीन्स जो सेंडर है वो एक्टिव पर्सन कहलाएगा, वेर एज रिसीवर इज पैसिव और इनएक्टिव। मीन्स जो मैसेज सेंड करता है सिर्फ वही एक्टिव रहता, बाकी जो रिसीवर है वो इनएक्टिव होता है। द मैसेज और सिग्नल इज इनकोडेड एंड ट्रांसमिटेड थ्रू चैनल्स इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है वो चैनल के द्वारा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज़, और वहाँ पर थोड़ी बहुत नॉइज का प्रेजेंस होता है। ठीक है, नॉइज़ मतलब होता है कि एनी डिस्ट्रक्शन और डिस्टर्बेंस इन द फ्लो ऑफ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इज कॉल्ड एज नॉइज़। कोई भी जो रुकावट जो आए मैसेज को फ्लो करने में उसे हम लोग नॉइज़ कहते हैं। नॉइज़ हो सकता है अगर हम लोग टेलीफोन से मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वीक सिग्नल की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसे हम लोग नॉइस कह सकते हैं। हेयर द सेंडर इज मोर प्रोमिनेंट इन द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो सेंड प्रोमिनेंट मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर सेंडर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। कहने का मतलब है कि पूरा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेंडर एक्टिवली पार्ट करता है, अच्छे से बोलता है, अच्छे से कम्युनिकेट करता है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो। अगर जो सेंडर है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है कम्युनिटी से तो हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन है वो इनएफेक्टिव हो जाए। अप्लाइड इन मास कम्युनिकेशन लाइक टेलीविज़न एंड रेडियो। जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। मास कम्युनिकेशन मीन्स जहाँ पर मास ऑडियंस हो, जहाँ पर बहुत सारे लोग हों। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीविज़न में करोड़ों लोग देखते रहते हैं तो वो क्या एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो, यहाँ पर क्या होता है, एक तरफ से यहाँ पर सिर्फ जो टेलीविज़न में जो पर्सन बोल रहा होता है वो क्या होगा, एक्टिव पर्सन होगा, बाकी हम लोग सब लोग सुनते हैं, हम लोग इनएक्टिव, हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या हो गए, इनएक्टिव पर्सन हो गए। तो यहाँ पर वन वे प्रोसेस है, जो एंकर है टीवी का वो बोलता रहता है और हम लोग क्या होते हैं, सुनते रहते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, वन वे प्रोसेस है लीनियर मॉडल, और ये मास कम्युनिकेशन में यूज होता है। आगे है, इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज मीन्स एडवांटेजेस और कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेजेस। और कुछ की फीचर्स हैं, की फीचर्स है वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन कैसा है, वन वे है, यूज्ड फॉर मास कम्युनिकेशन, यहाँ पर मास ऑडियंस होती वहाँ यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। सेंडर सेंड्स मैसेज एंड रिसीवर्स ओनली रिसीव, मीन्स जो रिसीवर है वो इनएक्टिव पर्सन है, वेयर सेंडर इज एक्टिव। नो फीडबैक, यहाँ पर फीडबैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर सेंडर ने मैसेज सेंड किया उसको ये नहीं पता चलेगा कि मैसेज इफेक्टिव है या इनएफेक्टिव है, तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर फीडबैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज प्रेजेंस होती है। प्रोज में इसके एडवांटेजेस क्या हैं, गुड एट ऑडियंस परसेप्शन एंड प्रोपेगेंडा सेंडिंग। अगर हमें किसी चीज़ का प्रचार करना है तो जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन या किसी चीज़ का आंसर देना है तो वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इंटेंशनल रिजल्ट, यहाँ जो रिजल्ट आता है इंटेंडेड रिजल्ट आता है। देन डिसएडवांटेजेस, कम्युनिकेशन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। यहाँ जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं, लगातार नहीं होता, क्योंकि यहाँ फीडबैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार स्पीकर ने या सेंडर ने मैसेज को डिलीवर कर दिया, उसके बाद फीडबैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये मैसेज इफेक्टिव है या नहीं इफेक्टिव है। ठीक है, नो वे टू नो इफ द कम्युनिकेशन वॉज इफेक्टिव। कोई साधन नहीं है, कोई वे नहीं है कि हम लोग जान सके कि हमारा जो
इंफॉर्मेशन हमने शेयर किया वो इफेक्टिव है कि इफेक्टिव नहीं है। सेकेंड इज ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर वेयर ईच टेक टर्न्स टू सेंड और रिसीव मैसेज। ट्रांजैक्शनल मॉडल भी एक लीनियर की तरह है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये टू वे है, ठीक है। वहाँ पे कैसा था, वन वे मीन्स जो सिर्फ एक एक्टिव सेंडर एक्टिव पर्सन होता था, वेयर एज रिसीवर इज इनएक्टिव। यहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों एक्टिव पर्सन हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पर एक बार सेंडर रिसीवर का रोल करेगा और एक बार रिसीवर एज अ सेंडर का रोल करेगा। बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर नोन एज कम्युनिकेटर। सेंडर और रिसीवर दोनों लोग कम्युनिकेटर कहलाते हैं, क्योंकि दोनों लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। मॉडल इज मोस्टली यूज फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जो ट्रांजेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो मोस्टली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। अब इंटरपर्सनल क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। फिर बता देते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली मेम्बर्स में दो लोग के बीच जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसे हम लोग कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसे हम लोग सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करती है, सर्कुलेट करती रहती है। जो लोग बात करते हैं उनके बीच में क्या होती है, सर्कुलेट करती रहती है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके भी कुछ की फीचर्स हैं, प्रोज और कॉन्स हैं। यहाँ पर देखिए, सेंडर ने क्या किया, मैसेज को रिसीवर तक पहुँचाया, रिसीवर ने फीडबैक दिया, ठीक है, फीडबैक जिसको हम लोग रिस्पॉन्स बोलते हैं सेंडर को दिया। तो एक बार जब सेंडर ने मैसेज सेंड किया रिसीवर को, तो सेंडर ये कहलाया, ठीक है, ये सेंडर कहलाया और ये कौन कहलाया, रिसीवर। जब रिसीवर ने फीडबैक दिया सेंडर को, तो रिसीवर हमारा एज अ सेंडर कंसीडर किया जाएगा और सेंडर एज अ रिसीवर कंसीडर किया जाएगा। देन प्रोस कुछ एडवांटेजेस, साइमल्टेनियस एंड इंस्टेंट फीडबैक। यहाँ पर तुरंत, ठीक है, इंस्टेंट फीडबैक आता है, किसी भी जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उसका फीडबैक ऐसा इंस्टेंट तुरंत आ जाता है। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है, भेदभाव कुछ नहीं होता है, या क्योंकि यहाँ पर फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता रहता है, तो जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो तुरंत सॉल्व हो जाता है। यूज्ड फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसे प्रीवियस पढ़ा, प्रेसलिम ने पढ़ा, सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंज रोल्स, ठीक है, एक बार सेंडर एज अ रिसीवर और रिसीवर एज अ सेंडर रोल करेंगे। सिमल्टेनियस फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यहाँ पर भी नॉइज है, ठीक है, फीडबैक इज टेकन एज अ न्यू मैसेज। जो रिसीवर फीडबैक देगा, रिस्पॉन्स देगा सेंडर को, वो एज अ न्यू मैसेज भी कंसिडर्ड किया जाता है। देन कॉन्स मीन्स कुछ डिसएडवांटेजेस। इनकरेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इनक्रीज करता है, ठीक है, इनक्रेज मतलब उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। नॉन वर्बल क्या होता है, प्रीवियस वीडियो आप जाके यहाँ देखिए, जाके आपको समझ में आ जाएगा। मोर नॉइज ड्यू टू कम्युनिकेटर्स टॉकिंग एट द सेम टाइम। यहाँ पर नॉइज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लीनियर मॉडल, क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिकेटर्स हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, वो सेम टाइम पर बात करते हैं, तो यहाँ पर नॉइज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देन थर्ड इज इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंस मॉडल। ये आपको याद रखना है कि इंटरैक्टिव मॉडल को हम लोग कन्वर्जेंस मॉडल कहते हैं और ट्रांजेक्शनल मॉडल को हम लोग सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पर इंटरैक्टिव मॉडल और ट्रांजेक्शनल मॉडल में एक सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी ये है कि दोनों टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि जो इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो ज़्यादातर न्यू टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल इंटरनेट, उसके लिए यूज़ किया जाता है। बस डिफरेंस यहाँ पर यही है, बाकी दोनों प्रोसेस दोनों का सेम है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि ये न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट, ठीक है, इसके लिए यूज़ होता है, और वहाँ पर एज जैसे पहले यूज़ होता था वही सब चीज़ यूज़ होता है, फेस टू फेस हो गया। डील्स विद एक्सचेंज ऑफ आइडियाज मैसेज टेकिंग प्लेस बोथ वेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर भी सेंडर और रिसीवर के बीच का मैसेज के बीच में मैसेज एक्सचेंज होता है, एक टाइम सेंडर, दूसरी टाइम रिसीवर एज अ सेंडर बिहेव करता है, दोनों लोग उल्टा, ठीक है,
एक बार सेंडर, एक बार रिसीवर. बोथ द कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस बिटवीन ह्यूमंस और मशीन्स इन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल वे. यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है. ठीक है, वर्बल मतलब होता है जहाँ पर वॉइस प्रेजेंस हो, मीन्स जहाँ पर वाइब्रेशंस हो, और नॉन वर्बल मीन्स जहाँ पर वाइब्रेशंस ना हो. इसको प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. दिस इज रिलेटिवली न्यू मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, ये नया मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है. जो ट्रांजेक्शनल है वो ओल्ड है सिमिलर दोनों, बस यहाँ पर क्या है एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, इसे हम लोग वेब बोलते हैं. ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो ये क्या है, नए टेक्नोलॉजीज हैं. तो इनसे जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम लोग कहेंगे इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. बस डिफरेंस यहाँ पर यही है कि जहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाए वो इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और जहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इतना यूज़ किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पर भी कुछ की फीचर्स, प्रोज और कॉन्स हैं. देखिए यहाँ पर सेंडर ने मैसेज सेंड किया रिसीवर को. ठीक है, अब रिसीवर एज अ सेंडर, जब रिसीवर हमको क्या करेगा, फीडबैक देगा, तो रिसीवर एज अ सेंडर कंसीडर्ड किया जाएगा. रिसीवर ने मैसेज का फीडबैक दिया सेंडर को, तो जो रिसीवर रहेगा वो एज अ सेंडर कंसीडर किया जाएगा और सेंडर एज अ रिसीवर कंसीडर्ड किया जाएगा. यूज्ड फॉर न्यू कम्युनिकेशंस लाइक इंटरनेट. ठीक है, यहाँ इंटरनेट जहाँ पर यूज होता है वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम लोग इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. स्लोअर फीडबैक इन टर्न. ठीक, एज कम्पेयर टू प्रीवियस टू मॉडल, यहाँ पर जो फीडबैक होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है, थोड़ा धीरे फीडबैक आता है. हो सकता है नॉइज़ की वजह से, नॉइज़ यहाँ पर भी होती है. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, नोन एज कन्वर्जेंस मॉडल. ठीक है, कम्युनिकेशन बिकम्स लीनियर इफ द रिसीवर डज नॉट रिस्पॉन्ड. अगर हमने मैसेज सेंड किया और रिसीवर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स या फीडबैक नहीं मिला तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो लीनियर कम्युनिकेशन कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, क्योंकि जब एक तरफ से फीडबैक नहीं आएगा तो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा. वन वे कम्युनिकेशन मीन्स लीनियर कम्युनिकेशन. प्रोज मीन्स एडवांटेजेस फीडबैक इवन इन मास कम्युनिकेशन. यहाँ पर मास कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर भी फीडबैक के चांसेस होते हैं. प्रीवियस वीडियो में क्या था, लीनियर में फीडबैक तो बिल्कुल नहीं था. यहाँ पर क्या है, मास कम्युनिकेशन होते हुए भी फीडबैक के चांसेस हैं. न्यू कम्युनिकेशन चैनल्स देन डिसएडवांटेजेस फीडबैक कैन टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. हो सकता है कि फीडबैक जो हम लोग को रिस्पॉन्स मिले रिसीवर से उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है. अब वो टाइम क्यों लगता है, वो डिपेंड करेगा कि हो सकता है नॉइस की वजह से टाइम हो. सेंडर एंड रिसीवर माइट नॉट नो हु द अदर पर्सन इज. ठीक है, यहाँ पर एक ये भी प्रॉब्लम है कि सेंडर और रिसीवर हो सकता है एक दूसरे को ना पता हो सेंडर कौन है रिसीवर कौन है. फॉर एग्जाम्पल आप टीवी देखते हैं, टीवी में आपको ये नहीं पता रहता कि ये कौन है, जो एंकर है वो कौन है. ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानते लेकिन पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. यूट्यूब के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम लोग कहेंगे इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन.